हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के वीडियो गेम्स के बारे में, किस तरह के वीडियो गेम्स बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खेलने चाहिए, क्यों नहीं खेलने चाहिए, वीडियो गेम्स का बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। आजकल एक्चुअली बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, शौक क्या मैं कहूँगी, बच्चों को एडिक्शन हो जाता है वीडियो गेम्स का। तो अगर आपके बच्चे भी वीडियो गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हम जब टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो हम भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी के अंदर जब हम देखते हैं कोई इमोशनल सीन, हम भी उनके साथ रोना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना क्यों हम रोना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये एक्चुअली रियल लाइफ है, ये रियल में नहीं है, ये बस फिल्माया गया है, ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ इतना अटैच हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भी वो देखते हुए रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि टीवी चाहे तो हमें रुला सकता है, चाहे तो हमें हंसा सकता है। इसलिए टीवी का या मोबाइल का हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बच्चे जब वीडियो गेम्स खेलते हैं तो क्या असर होता है वीडियो गेम्स का बच्चों के ऊपर? एक्चुअली बच्चे मोस्टली आजकल ये जो पबजी टाइप्स की जो गेम्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे करीबी फ्रेंड हैं जिनको जिनसे मैंने सुना कि उनके जो बच्चे हैं वो अक्सर पबजी खेलते हैं और इतना वो पबजी के अंदर इन्वॉल्व है कि वो रात को नींद में भी उठ के बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नींद में भी वो बड़बड़ाते हैं कि मारो उसे, शूट करो उसे, फायरिंग, धर 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 धर, वो भाग रहा है, ये वो। तो इसीलिए बच्चों का ये इस तरह की जो गेम्स है उनका बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली इस तरह की जो गेम्स होती है उससे बच्चों को क्या सीखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं। मारना, खून करना, फायरिंग करना बिना वजह उनके लिए कॉमन है। इसीलिए इस तरह की गेम्स बच्चों को ना खेलने दें जिससे बच्चे को बस नेगेटिविटी ही मिल रही है। अगर आपका बच्चा भी इस तरह की गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो आप देखेंगे कि उन बच्चों के अंदर एग्रेशन का जो लेवल है, गुस्से का लेवल एकदम बढ़ जाएगा, बच्चे इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेटेड रहेंगे ऑल द टाइम, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो इसलिए इस तरह की गेम्स से बच्चों को जितना हो सके दूर रखें, ना खेलने दें, इससे बच्चे को कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं मिलती है। दूसरी जो गेम्स होती है वो जो कार की रेसिंग वाली जो गेम्स होती है वो भी बच्चे को बिल्कुल भी ना खेलने दें। एक्चुअली क्या होता है, कार की रेसिंग वाली जो गेम्स होती है कभी कभार अगर बच्चा खेल ले तो डेट इज़ ओके, लेकिन बच्चों को इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, रेगुलरली नहीं खेलना चाहिए। पबजी वगैरह अगर बच्चा एक बार भी खेलेगा तो उसका एडिक्शन बच्चे को ज़रूर से लग जाएगा, तो उससे तो आप दूर ही रखेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फायरिंग या एंड ऑल है, खून खराबा है, तो वो गेम तो आप बिल्कुल भी ना खेलने दें, दूर ही रखें अपने बच्चों को ऐसी गेम से। एंड जो कार की रेसिंग वाली जो गेम्स है वो कभी कभार अगर बच्चा खेल लेता है तो डेट इज़ ओके, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, रेगुलरली नहीं खेलना चाहिए। अगर रेगुलरली आपका बच्चा कार की रेसिंग वाली गेम्स के अंदर इन्वॉल्व है, रेगुलरली खेलता है, इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ रेगुलरली कनेक्टेड होते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर उसके साथ हम जब खुद कार ड्राइव करेंगे ना तो बच्चे भी फिर जब वो खुद कार चलाएंगे ज़रूर से वो गेम्स की तरह चलाने की कोशिश थोड़ा बहुत तो करेंगे, टर्न लगाने की कार की रेसिंग जैसी, कट लगाने की एंड ऑल। तो इसलिए इस तरह की गेम्स से बच्चों को दूर ही रखें। देखिए अगर आप रेगुलरली कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, अनुपमा देख रहे हैं, तो ज़रूर से आप भी उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उनके जैसे कपड़े पहनने की या फिर उनके जैसे साड़ियाँ खरीदने की या फिर मतलब उनके जैसे ज्वेलरी पहनने की, उनके जैसे बोलने की चलने की ज़रूर से कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कार के रेसिंग वाले गेम्स या फायरिंग वगैरह जो गेम्स होते हैं उससे बच्चों को कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स बच्चों को कोई भी नहीं मिल रही है, नेगेटिव जो फीलिंग्स होती है, एग्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, वैसे ही बच्चों के दिमाग के अंदर भी ऑल द टाइम चलता रहता है। आजकल बच्चे मोस्टली इंडोर ही इसी तरह की वीडियो गेम्स के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, वो बाहर खेलना नहीं चाहते। जब बच्चे बाहर नहीं खेलेंगे बच्चे बीमार रहेंगे क्योंकि वो हेल्दी नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बच्चों को ऑल द टाइम वीडियो गेम्स के अंदर इन्वॉल्व ना करते हुए बाहर थोड़ा खेलने के लिए लेकर के जाए।
एंड यस, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी टीवी एंड मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बच्चों को बिल्कुल भी टीवी मोबाइल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बाहर ही खेलने देना चाहिए। यस, थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर आप बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, थोड़े बहुत टाइम के लिए अगर वो टीवी मोबाइल देखता है, तो आपको ज़रूर से कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा कुछ उससे अच्छा सीखे। आप अगर बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए देते हैं जिसके, जैसे कि मोरल स्टोरीज़ वगैरह, जिसके पीछे कोई मोरल होता है, ऐसी स्टोरीज़ अगर बच्चा यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर देखता है, तो उससे बच्चा ज़रूर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगा। जैसे कि सच बोलना क्यों अच्छा होता है, झूठ बोलने से क्या असर होता है, ये एंड मतलब मोरल स्टोरीज़ फॉर किड्स। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी। तो अगर आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं तो इस तरह की मोरल स्टोरीज़ दिखाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम भी कोई फॉरगिवनेस से रिलेटेड कोई मूवी देखते हैं जिसके अंदर फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, फिर क्या होता है कि हमारे लाइफ में भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें बनती है ना, तो हम भी ज़रूर से ऐसा सोचते हैं कि जाने दो ना या छोड़ो बातों को एंड ऑल, हम भी फॉरगिव करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस तरह की चीज़ों का हमारे दिमाग के ऊपर बहुत असर होता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी बहुत सारी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज होती है जो आप बच्चों को दिखा सकते हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ होती है जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ मिल जाएगी आपको, वो आप बच्चों को दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह की वीडियो गेम्स से बच्चों को जितना हो सके आप दूर रखें, तो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए वो बेहतर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। Thank you for watching the video. Bye-bye.